हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। इस पूरे ईयर में एक्साइड इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 75% का रिटर्न जो है 2023 में स्टॉक ने बना के दिया है। अभी और भी रिटर्न हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साथ ही साथ फंडामेंटली क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स, साथ ही साथ जो है लाइव मार्केट में भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में 3% का तेजी देखने को मिला। एक समय में स्टॉक जो है 5% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट फाइनली स्टॉक जो है 3% के ऊपर जो है आपको क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे, तो पूरे वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 7.5% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग दिसंबर मंथ की बात करेंगे, तो दिसंबर मंथ में स्टॉक जो है वो आपको 9% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और इस पूरे ईयर में यानी कि 2023 में स्टॉक ने 75% का एक बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है, और साथ ही साथ स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स को देखते हैं। कंपनी का अगर मार्केट कैप को देखेंगे, 27,017 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 31 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 10.2% का है और आरओई जो है वो आपको 7.28% का है। यहाँ पे अगर हम लोग पीई के ऊपर बात करेंगे, तो अभी भी कंपनी जो है वो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर और भी हम इस सेक्टर के कंपनी से कंपेयर करें, तो फिर यहाँ पे आपको बॉस जो है वो 42.79 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। टीआई इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट वो आपको 75 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग सोना बीएलडब्ल्यू की बात करेंगे, तो 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है मेजर बेनिफिशियरी है, अभी जो ईवी थीम काफी पॉपुलर हो रहा है और ईवी के ऊपर काफी ज्यादा आपको कंसंट्रेट हो रहा है, उसमें एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करेंगे, तो लगातार जो है सेल्स ग्रो कर रहा है। 5,272 करोड़ के सेल्स से अब जो है कंपनी यहाँ पे 15,078 करोड़ का जो है कंपनी सेल कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार जो है नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगातार कंपनी 10% के ऊपर बनाए रखा है। 11%, 12% के रेट से लगातार जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली आपको कंपनी ले रहा है। तो लगातार नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर में लगातार आपको ग्रोथ दिख रहा है। एक बार के लिए यहाँ पे स्पाइक जरूर आया था, बट यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट ज्यादा अदर इनकम की वजह से हुआ था, यहाँ पे रेगुलर इनकम में स्पाइक नहीं था। साथ ही साथ कंपनी एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करता है, लगातार 20-25% का जो है आपको यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करेंगे, तो 9% का जो है 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करेंगे, तो 10% के सीएजीआर से जो है यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है। जो एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर, वो है कंपनी के ऊपर डेट जो है ऑलमोस्ट काफी कम है,
क्योंकि 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट कंपनी के ऊपर डेट जो है ओनली 743 करोड़ का है, और इतना कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा ही कंपनी जो है लगातार ईयरली प्रॉफिट आपको कैप्चर कर रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैश फ्लो लगातार कंपनी का स्ट्रांग है, यानी कि कैश क्रंच कंपनी के पास नहीं है, और कभी भी अगर कंपनी के पास स्ट्रांग कैश फ्लो रहता है तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने में प्रॉब्लम नहीं होता है। कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा सा डेट है भी तो वहाँ पे कंपनी उस चीज़ को कैटर कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रोमोटर का होल्डिंग 45.99% का लगातार बना हुआ है, FII का होल्डिंग जो है वो आपको 12.81% का है, DII का होल्डिंग जो है 19% का है, और 22.14% जो है वो आपको रिटेल होल्डिंग है यानी कि पब्लिक होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे भी 4.32% जो है वो आपको हैथवे इन्वेस्टमेंट का है। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो है फंडामेंटल क्लियर है, कंपनी आगे ग्रो कर सकता है क्योंकि ईवी के ऊपर एक डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेक्टर में, बैटरी के ऊपर जो है काफी आपको एक्साइड का ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी स्टॉक में जो है लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने आपको एनालिसिस किया था, यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। मंथली बेसिस पे स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली कर चुका है। 208-209 के लेवल पे जो है ये आपको ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद से स्टॉक 318 के लेवल पे करेंटली क्लोज हुआ है। 324 का स्टॉक ने हाई लगाया है। क्या अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है? तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक में क्लियर पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनर्जी थीम अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और वहां पे जो है आपको एक्साइट में भी और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसके पीछे का टेक्निकल रीजन है जो यहाँ पे आपको 5 ईयर का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब हम लोगों को पता है जो कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है जो पैटर्न का डेप्थ होता है। यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न के डेप्थ की बात करेंगे तो ये जो डेप्थ है ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का है, यानी कि अगर हम लोग ब्रेकआउट के लेवल से 170 पॉइंट को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो 470 का टारगेट आता है। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 318 पे, यानी कि अभी भी स्टॉक के पास 150 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम लोगों का होगा यहाँ पे 250 के नीचे मंथली या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी ओवरऑल रिस्क अगर देखेंगे तो ओवरऑल रिस्क जो है यहाँ पे हम लोगों का 70 पॉइंट का है। ऊपर की साइड मिनिमम टारगेट जो है वो हम लोगों का यहाँ पे 470 का होने वाला है, यानी कि हम लोगों का 1:2 का टारगेट जो है इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक 470 के पास जाता है तो वो इमीडिएटली 500 के लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि राउंड नंबर लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो एक बार के लिए स्टॉक जरूर जो है 500 के लेवल तक आपको जा सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इन केस अगर ऑलरेडी आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, यहाँ पे जो है आपको बिकवाली नहीं करना है, और फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।